नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं चुनावी चर्चा में। आज दानापुर नगर परिषद से प्रत्याशी प्रियंका कुमारी अधिवक्ता के पति दहीगोप से हमारी सीधी बातचीत। दानापुर की बात करें तो 1.5 लाख के लगभग मतदाता हैं और जहां 18 दिसंबर को चुनाव होने वाला है। दहीगोप एक बड़ा नाम है दानापुर नगर परिषद के चुनाव में, जो इससे पहले यहाँ के जो छावनी परिषद के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। दानापुर के विकास में इनके परिवार का बड़ा योगदान है, समाज सेवा में भी रुचि रखते हैं तथा दानापुर के जन समस्याओं को लेकर सदैव तत्पर रहते हैं। आज हमारे साथ हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि दानापुर से इन्होंने अपनी पत्नी प्रियंका कुमारी अधिवक्ता को चुनाव में उतारा है, क्या कारण है। कारण है, हम लोग दानापुर छावनी परिषद का राजनीति करते थे जी, और छावनी परिषद में 12 साल उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए हम लोगों ने नगर परिषद के लोगों का भी सेवा किया है। मैंने कहीं से भी दानापुर विधानसभा क्षेत्र से कहीं से भी कोई लोग समस्या लेके आते थे तो किन्हीं को खाली हाथ वापस नहीं जाने देते थे जी। सब लोग का कुछ ना जो मेरे लायक रहता था, लगता था कि ये काम हम कर पाएंगे, वो काम कर ही के उनको छोड़ते थे। क्योंकि देखिए, दानापुर में आप कोई पद पे नहीं है, लेकिन ऐसी चर्चा है लोगों के बीच में रंजीत जी कि जितने भी लोग हैं अपनी समस्या लेकर सुबह सुबह आपके दरवाजे पे चले जाते हैं और आप उसका निदान करते हैं, कैसा लगता है। निश्चित रूप से सब लोगों के बीच में आकांक्षा रहता है कि कहीं ना कहीं कोई लोग बता देते हैं कि भाई इस समस्या का निदान आप सीधे चले जाइए रंजीत जी के पास, वो सुबह में बैठते हैं और निश्चित रूप से आपका समस्या का समाधान हो जाएगा। तो सब लोग ललायित होकर आते हैं कि नहीं भाई, चलिए एक बार मिल के और अपना बात को रखते हैं और जो हमसे होने लायक होता है वो करवा देते हैं। करवाने के बाद और लोगों में वो लोग जाके चर्चा का विषय बना देते हैं कि नहीं भाई, वहाँ पर हम गए थे तो रंजीत जी बहुत बढ़िया से मेरा काम को सुलझा दिए हैं, करा दिए हैं। इसलिए उन्हीं के सुन के और लोग भी धीरे धीरे लोग संख्या मैंने काम कराने वाला का बढ़ते जाता है और मान सम्मान के साथ उनका काम करके उनको छोड़ते हैं। तो अच्छा, चलिए दानापुर की बात कर ले, वोटरों की बात कर ले, तो यहाँ यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है और यहाँ एक बड़ा विषय होता है दियर और पटना, ये दानापुर का मूल निवासी है, ये कितना बड़ा फैक्टर रहेगा इस बार के चुनाव में जब बहुसंख्यक यादव मतदाता वोट डालने जाएंगे 18 तारीख को। ये चुनाव के समय जो है ये दिग्भ्रमित करने के लिए मतदाताओं को, खास करके यादव जाति को मतदाताओं को दिग्भ्रमित करने के लिए कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जो दियर और शहर के मामला को उजागर करते हैं। ऐसा नहीं है कि शहर वाला का समस्या है तो दियर वाले के साथ वो समस्या नहीं है, समस्या दोनों के साथ है। वो चाहे शहर के निवासी हों, सभी जाति धर्म के लोग इसी से उठ के और मतदान हम लोग के पक्ष में करेंगे, क्योंकि मेहनत सब लोग देख रहे हैं कि कितना मेहनत कर रहे हैं। रंजीत जी, अब आखिरी सवाल ही पूछ लेते हैं, अगर आपकी पत्नी जिस तरह का माहौल आपने बना दिया है, पहले लोगों को लग रहा था कि आप वोट काट लेंगे, इससे जो यादवों का चेयरमैन पद पर वर्चस्व है वो समाप्त हो जाएगा, फिर बीच में चुनाव टल गया, आपकी तबीयत खराब हो गई, डेंगू के शिकार हो गए, लेकिन आपने जिस तरह से चक्रव्यूह रच दिया है दानापुर में, अब आप लड़ाई में सीधे नंबर 1 की पोजिशन में है। आपकी पत्नी अगर चुनाव जीत जाती है, पहला काम दानापुर के लिए क्या कीजिए। सबसे बड़ा अगर दानापुर में कोई समस्या है, सबसे बड़ा समस्या, तो वो नाला का जो होता है पानी निकासी का, कहीं सुदृढ़ तरीके से व्यवस्था नहीं है। सबसे पहला अगर हम कोई काम करेंगे या इनसे कहेंगे कि भाई ये काम कीजिए, तो ये भी चूंकि दौड़ रही है तो समझ में आ रहा है कि सबसे बड़ा समस्या नाला का और पानी निकासी का। हमको तो लगता है कि इससे बेहतर, जो लोग सुन रहे होंगे वो जान रहे हैं, इससे बेहतर नवदपुर, विक्रम, बिहटा, पाली, ये सब जो क्षेत्र है जहाँ पंचायत है, दानापुर नगर परिषद से मैंने 100 गुना अच्छा आपका पंचायत का व्यवस्था है। यहाँ के लोग वहाँ 10 दिन के लिए गांव जाते हैं तो हम तो घूमते हैं तो बताते हैं कि रंजीत जी, यहाँ से बेहतर व्यवस्था लगता है कि हम अपने गाँव पर्व त्यौहार में जाते हैं तो लगता है कि वहीं बने रहें, लेकिन लड़कन को पढ़ाना लिखाना है, नौकरी है, यहाँ ड्यूटी है, इसलिए हम लोग यहाँ विवश होकर रह रहे हैं, ये जगह रहने लायक नहीं है, इससे बेहतर जगह हम लोग के पंचायत में है, ये सब लोग जानते हैं। कहीं से किन्हीं से पूछिएगा तो ये पंचायत से भी मैंने गंदा स्थिति है, इससे गंदा स्थिति और
पूरे बिहार में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो दानापुर में गंदा स्थिति है। मतदाताओं से क्या अपील करेंगे? अब देखिए 18 तारीख को सरकार ने जीत पा ली है कि 18 दिसंबर को चुनाव करा लेंगे, तो सीधे आप भी मैदान में, आप मैदान छोड़कर भागे नहीं थे, नहीं, आप लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे जब 18 तारीख को वो वोट देने जाए तो क्या करेंगे? ये अपील करेंगे कि नाला का पानी, ये सब जो निकासी का समस्या है, इससे अगर निजात पाना चाहते हैं, रोग से जो ग्रसित रोग है, इसको ग्रसित रोग कहिए, ये जो नाला का पानी का जो व्यवस्था है, जो ग्रसित रोग से अगर निजात पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग से अनुरोध करेंगे कि एक बार प्रियंका कुमारी को प्रेशर कुकर 6 पर क्रमांक संख्या 6 पर मतदान करें और इनको विजय बनाए, और 2 साल में काम देखने को मिलेगा। अगर 2 साल में काम देखने को नहीं मिलेगा तो हम चाहेंगे, हम अनुरोध इनसे करेंगे प्रत्याशी से कि आप अपना इस्तीफा जनता के बीच में सौंप दीजिए, अगर काम करने लायक हम लोग नहीं रहे तो। निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि दो ढाई समस्या है, तो दियर वाले के साथ वो समस्या नहीं है, समस्या दोनों के साथ है, वो चाहे शहर के निवासी हो या दियर के निवासी हो, कहीं का ज्यादा हो, समस्या जो उनके साथ है वही इनके साथ है। तो ये दिग्भ्रमित करने के लिए, मतदाताओं को गोलबंद करने के लिए कि दियर का वोटर मेरे साथ आ जाए, शहर का भी वोटर मेरे साथ आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। सब लोग ये देख रहा है कि 20 वर्षों से आपका क्रियाकलाप जो रहा है, कार्य करने का जो तरीका रहा है, उस सब तरीका को लोग निखार रहे हैं और उसी में से कमी को निकाल के और लोग बता रहे हैं कि आप 20 वर्षों से किए क्या हैं। तो जो लोग काम करने वाले होंगे, जो मेहनती होंगे, जो रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं समझने वाले लोग होंगे, हम लोग तो रात को रात नहीं दिन को दिन नहीं समझ रहे हैं, मतलब पिछले साल भर से मेहनत लगातार लोगों के बीच में जा रहे हैं। चुनाव होना न होना अलग मैटर है, चुनाव जीतना हारना वो सब अलग मैटर है, लेकिन काम के सेवा में लोगों के बीच में हम हमेशा बने रहने का काम करते हैं। हम मेरा प्रयास रहता है कि चुनाव हो न हो, हमसे जो हो सकता है जनता के बीच में जाके करे, गरीब गुड़वा के बीच में जाके करे, और हम करते रहते हैं। यही सब काम से कार्य को देखते हुए बहुत लोगों को परेशानी हो रहा है, तो खैर उससे हमको कोई मतलब नहीं है। सीधे सवाल पड़ा जाता है, देखिए हमने पहले भी कहा कि 1.5 लाख मतदाता है, जिसमें यादव मतदाता निर्णायक भूमिका में है, जो अभी चेयरमैन है नगर परिषद की, वो भी यादव जाति से आती है। पहले आपको नोटिस नहीं किया जा रहा था, लेकिन जो सर्वेक्षण हम लोगों ने किया है ग्राउंड जीरो पर जाके, कहीं ना कहीं यादव मतदाता रंजीत कुमार और जो अभी चेयरमैन है उनके बीच बट गए हैं। आपको क्या लगता है किधर ज्यादा संख्या होगा? सब लोग गोलबंद होकर एक तरफ वोट करेंगे, चाहे वो यादव मतदाता हो या अन्य जाति का मतदाता हो, सब लोग गोलबंद होकर देखिएगा अंतिम क्षण में प्रियंका कुमारी के पक्ष में सभी जाति के धर्म के लोग गोलबंद होकर मतदान करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं, क्योंकि हम काम करने पर विश्वास रखते हैं। और हम ये जानते हैं कि मेरी पत्नी जो है पढ़ी लिखी है, लॉ ग्रेजुएशन की हुई है, अधिवक्ता है, तो हमको इसमें कोई परहेज नहीं, वो काम करने के लिए स्वयं जानती है और स्वयं लोगों के बीच में जाके अपने लिए मतदान का अनुरोध कर रही है कि भाई मेरे पक्ष में मतदान कीजिए, और वो जा रही है तो हमसे ज़्यादा शिकायत कर रही है कि लोगों में ऐसा आक्रोश है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमको तो लग रहा है कि ये चुनाव लड़िए चाहे मत लड़िए, लेकिन अपने पास जो है वो लगा के लोगों के बीच में ऐसा कार्य कर दीजिए कि ताकि लोगों को ये समझ में आए कि बिना पद पर रहे हुए भी ये व्यक्ति इस तरह का कार्य कर सकता है, ये बता रही है हमको कि यानी सीधे आपकी बातों का ये फलाफल ले लें कि इस बार प्रेशर आप लगातार लोगों के बीच में रहे हैं, तो लोगों से क्या अपील करेंगे जब 18 तारीख को वो वोट देने जाए तो क्या करेंगे? ये अपील करेंगे कि नाला का पानी, ये सब जो निकासी का समस्या है, इससे अगर निजात पाना चाहते हैं, रोग से जो ग्रसित रोग है, इसको ग्रसित रोग कहिए, ये जो नाला का पानी का जो व्यवस्था है, जो ग्रसित रोग से अगर निजात पाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से सब लोग से अनुरोध करेंगे कि एक बार प्रियंका कुमारी को प्रेशर कुकर 6 पर क्रमांक संख्या 6 पर मतदान करें और इनको विजय बनाए, और 2 साल में काम देखने को मिलेगा। अगर 2 साल में काम देखने को नहीं मिलेगा तो हम चाहेंगे, हम अनुरोध इनसे करेंगे प्रत्याशी से कि आप अपना इस्तीफा जनता के बीच में सौंप दीजिए, अगर काम करने लायक हम लोग नहीं रहे तो। निश्चित रूप से हम बता रहे हैं कि 2-2.5 साल में अगर ये समस्या से निजात नहीं दिला दिए तो फिर कभी चुनाव में हम लोग नहीं आएंगे। कितनी बड़ी बात है, चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं और उनके पति चूंकि पहले यहाँ के प्रतिनिधि रह चुके हैं,
सीधा वादा कर रहे हैं कि जो आप मतदाताओं से, खासकर दानापुर नगर परिषद क्षेत्र के मतदाताओं से, जो 1.5 लाख के आबादी वाले मतदाता हैं, उनसे कि अगर प्रियंका कुमारी अधिवक्ता, जिनका चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर छाप ईवीएम क्रमांक 6 है, चुनाव जीतती हैं और 2 वर्षों में आपके जन समस्याओं का समाधान नहीं होता है, तो ये स्टंप पर लिख कर देते हैं कि 2 वर्षों के बाद इस्तीफा सौंप देंगी प्रियंका कुमारी, चूंकि जनतंत्र में जनता मालिक है और आपका एक वोट आपके पूरे इलाके की तकदीर को बदल सकता है। आपको लगता होगा कि एक वोट से क्या होगा, एक वोट से एक योग्य और ईमानदार व्यक्ति आपका चेयरमैन बनेगा जो दानापुर को, जो राजधानी पटना के बगल में है, इसकी सूरत और सीरत को बदल देगा। यह देखना दिगर होगा कि 18 तारीख को जब आप वोट डालने जाएंगे, उस समय जात पात पैसे पर आगे बढ़कर वोट देंगे या एक ऐसे ईमानदार और योग्य उम्मीदवार को वोट देंगे जो आपके बीच खड़ा है प्रेशर कुकर लेकर, और जो वादा कर रहा है कि अगर वादे पर खड़ा नहीं उतरेंगे तो 2 वर्षों के बाद इस्तीफा सौंप देंगे।